दोस्तों तो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार पुलिस भर्ती को लेकर आपको बता दें बिहार पुलिस में एक काफ़ी शानदार भर्ती आ रही है और काफ़ी बड़ी भर्ती आ रही है जो अपकमिंग बहाली है जिसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर कर इसकी जानकारी दी है हालांकि आपने इनके ट्विटर को अगर फॉलो किए होंगे तो वहाँ भी जानकारी मिली होगी यहाँ पर क्लियर बताया गया कि आगामी नए वर्ष में बिहार पुलिस में नई बहाली की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है मतलब अब जो ये बहाली अभी आप जान रहे हैं बिहार में अभी इक्कीस तीन सौ कुछ पदों पर अभी चल ही रही है जिसका एग्जाम प्रक्रिया शुरू हुई है अब नए साल मतलब 2024 के लिए आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू होने के लिए इसकी तैयारी शुरू कर दिया गया है अब देखिए इनमें पद क्या क्या है किन पदों पर आपकी बहाली आ रही है उसकी जानकारी दे दी गई है समझिए सबसे पहला जो पोस्ट इसमें रखे गए हैं यहाँ पर बिहार में दरोगा की भी बहाली होगी जो करीब दो पर होंगे उसके अलावे सिपाही एवं समकक्ष के जो भी पोस्ट होते हैं उसके लिए पोस्ट रखे गए हैं और जो चालक होते हैं बिहार पुलिस के ड्राइवर होते हैं उसके लिए भी 2800 सीट है कुल मिलाकर चौबीस हजार दो सौ उनहत्तर पदों पर ये बंपर बहाली आपको जो है 2024 के फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा इसकी जानकारी आज के अगर आपने अलग अलग अखबार अगर आपने देखा होगा तो जानकारी उसमें भी दिया गया है कि पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी अगले साल आएंगे विज्ञापन इसके लिए जो कि चौबीस हजार से भी अधिक पदों पर बहाली होगी तो समझेंगे इस वीडियो में कि ये जो बहाली चौबीस हजार से भी अधिक पदों पर हो रही है जिसके लिए आपकी जो है उम्र सीमा क्या रखी जा सकती है आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी जा सकती है आपकी हाइट क्या होनी चाहिए रनिंग कितनी आपको करनी होगी उन तमाम जानकारी को बताएंगे सिलेबस आपके क्या होंगे ताकि आप अभी से ही इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर सके और इसमें अपना सिलेक्शन पा सके क्योंकि ये बहाली एक ऐसी बहाली होती है इनमें जो आपकी कांस्टेबल की पद आप देखते हैं ड्राइवर के पद देखते हैं इसमें सिर्फ बारहवीं जो कैंडिडेट पास होते हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाते हैं लेकिन बिहार पुलिस में आपका क्वालिफिकेशन के अलावा भी आपकी जो फिजिकल होते हैं जैसे आपकी रनिंग होते हैं आपकी आ, हाइट होती है गोला फेक होता है इन सब को भी अभी से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी तो पूरी जानकारी समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया कि राज्य में इक्कीस सिपाही और बारह दरोगा के पदों की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है इसके साथ ही अगले साल यानी दो में चौबीस दो पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली को लेकर तैयारी शुरू हो गई है पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से इसकी स्वीकृति मांगी है गृह के बाद वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही रोस्टर तैयार किया जाएगा और रोस्टर तैयार जो होगा उसमें आपकी जैसे ही इसकी मंजूरी मिल जाएगी तो आपकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया जाएगा जिसमें पद देखिए क्या क्या पद है तो हमने पहले भी क्लियर किया सिपाही उसके समकक्ष उन्नीस पद है वही आपकी जो चालक की पद है अट्ठाईस है और दरोगा के जो पद है 2000 के करीब में ये पद है इसकी जानकारी बिहार के एडीजी जो जितेंद्र सिंह गंगवार है उनके द्वारा शुक्रवार को ये जानकारी दिया है कि बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में बहाली आ रही है अब आइए जानते हैं इस बहाली में जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें आपकी एज क्या रखी जाएगी तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल या फीमेल कैंडिडेट होंगे तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष होगी और मैक्सिमम 25 वर्ष एज रखा जाएगा अगर आप बी वाले पुरुष होंगे तो आपकी मिनिमम एज अठारह होगा अधिकतम सताईस वर्ष होगा और वही बी के कोई फीमेल होंगे अठारह वर्ष आपकी मिनिमम होगी और अधिकतम जो आपकी होगी अट्ठाईस वर्ष होगा ई वाले जो मेल होंगे अठारह से सताईस वर्ष आपकी एज होगी फीमेल

ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनाए और गाड़ी चलाने के ज्ञान आप जरूर ले अगर इस पोस्ट पे आप नियुक्त होना चाहते हैं तो दूसरा जो पोस्ट है आपकी दरोगा के है जो कि 2000 के करीब में सीट है इसमें कम से कम जो होगा या तो स्नातक होगा या स्नातकोत्तर होगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगी अब अगला जो पोस्ट है सिपाही का है इसमें सिर्फ बारहवीं जो कैंडिडेट पास होंगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें होता यह है कि सबसे पहला चरण होगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपकी एग्जाम होगी एग्जाम की सिलेबस बताई गई है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन इन चैप्टर से पूछे जाएंगे सौ अंकों का प्रश्न होता है दो घंटे का समय दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग नहीं इसमें होता है तो

पचपन सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं सीना अभी देखा जाता है आपकी चेस्ट देखी जाती है सिर्फ पुरुष के लिए बिना फुलाए इक्यासी सेंटीमीटर होगा फुलाकर छियासी सेंटीमीटर होगा ये ध्यान रखिएगा ये सामान्य जाते और पिछड़ा वर्ग के लिए था अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका भी सेम रखा गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष होंगे उनके लिए कम है बिना फुलाकर उनासी सेंटीमीटर फुलाकर चौरासी सेंटीमीटर है और आपकी वजन भी देखी जाती है जैसे सभी वर्ग की महिला अभ्यार्थी के लिए अड़तालीस के जो है आपकी वजन होनी जरूरी है उसके बाद आपकी जो होती है वो फिजिकल टेस्ट ली जाती है जिसमें आपकी रनिंग देखी जाती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करने होते हैं इसके लिए 6 मिनट मिलेगा गोला फेंक होगा आपका 16 पाउंड का गोला रहता है वो आपको तीन चांस मिलते हैं उसके अलावा हाई जंप होती है जो कि चार फीट का होगा तीन चांस इसमें भी मिलते हैं फीमेल के लिए एक किलोमीटर की रनिंग पांच मिनट में करनी होती है गोला फेंक बारह पाउंड का होता है जो की तीन चांस मिलते हैं और आपकी हाई जंप तीन फीट का तीन चांस आपको मिलते हैं तो ये आपकी प्रक्रिया होती है इसके लिए आवेदन अभी तो शुरू नहीं हुई है जैसे ही आवेदन शुरू होगी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी जानकारी यहाँ पर अपडेट की जाएगी पेपर कटिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है अगर आपकी सपना है वर्दी पहनने का तो आप अभी से लग जाए ये बहाली आएगी ही आएगी आप श्योर रहिए और इसके लिए जो जो हमने आपको बताया फिजिकल स्टैंडर्ड उन सबको आप फोकस करिए जैसे रनिंग हो गया गोला फेंक हो गया आपके जो चेस्ट को फुलाने वाली हो गई ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो 100 परसेंट आपकी सिलेक्शन होगी बाकी पढ़ाई पे तो आप ध्यान दे दीजिए ही तभी आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगी क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा ही फॉर्म भरते हैं बिहार पुलिस में सिर्फ बारहवीं पास होने के कारण तो जैसे ही आगे की कोई अपडेट आएगी उसकी जानकारी हम जरूर अपडेट करेंगे आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में वीडियो नहीं आती है उसकी जानकारी हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें धन्यवाद